अस्सलामुअलैकुम, कुकिंग विद जुवेरिया में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, हम भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हैं। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बैंगन की कतलियाँ। तो बैंगन की कतलियाँ बनाने के लिए यहाँ हमने एक बैंगन लिया है, इसे हमने धोकर अच्छे से ड्राई कर लिया है। यहाँ हम आधा कप बेसन लेंगे और स्पाइसेस जो हम इसमें ऐड करेंगे, इसमें हमने 1 टीस्पून आमचूर पाउडर लिया है, मैंगो पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल कश्मीरी मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हम इसमें लेंगे सूंठ। तो यहाँ हम बेसन लेंगे और ये तमाम तर मसाले जो हैं हम इस बेसन में ऐड कर देंगे। और बेसन को हम कर लेंगे मिक्स। बेसन रेडी हो चुका है, इसे हम साइड पर कर देंगे और यहाँ हम इसे स्लाइस में कटिंग कर लेंगे। तो इसे हमने इस शेप में कटिंग कर लिया है। तो अब हमने जो यहाँ पर मसाला तैयार किया था हम इसे इसमें डिप करेंगे और इसकी अच्छे से कोटिंग करेंगे। बेसन का थोड़ा अपना पानी होता है, ये मसाला इजीली इसके साथ लग जाएगा। बिल्कुल इस तरह से ऐसे ही हम सब पर कोटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमने इन सब पर मसाला लगा दिया है, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। यहाँ हमने एक पैन ले लिया है, इसके नीचे हम फ्लेम ऑन करेंगे। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। यहाँ ऑयल गरम हो चुका है, फ्लेम हम स्लो रखेंगे। तो फ्लेम हमने स्लो कर दिया है, अब हम इसे एक एक करके इसके अंदर डालेंगे। यहाँ हमने ये सारे इसमें ऐड कर दिए हैं, ये जैसे ही थोड़े कुक हो जाएंगे हम इनकी साइड चेंज करेंगे। यहाँ अब हम इनकी साइडें चेंज करेंगे। यहाँ हमने इसकी साइडें चेंज कर दी हैं और अगर ऑयल आपको कम लगे तो इसमें आप ऑयल ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। हमने अभी इसमें 1 टीस्पून के करीब मज़ीद ऑयल ऐड किया है। तो फाइनली ये पककर रेडी हो चुके हैं, हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। इसे हमने डिश आउट कर लिया है, अब हम इस पर लेमन रखेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर देंगे। इसका बहुत प्यारा कलर आया है और ये बनकर बहुत मज़ेदार बनते हैं। इसे आप पराठे के साथ खा सकते हैं, इसे आप हरी चटनी के साथ खा सकते हैं और इसे आप बॉयल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार लगते हैं और ये रेसिपी बहुत ही मज़े की है। तो अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है, अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। हमें देखकर बहुत खुशी होती है, आपके कमेंट्स पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको हमारी तमाम तरह रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दिया करें। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखें, अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।